हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट देखिएगा, चैप्टर नंबर 11 अपना है फोर्स एंड प्रेशर। बस टॉपिक है अपना इसके अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए इससे पहले हमने फोर्स का डेफिनेशन डिस्कस किया था, फोर्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करा था। अब देखिए इसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इन्हें अपने बता दें कि फोर्स जो है वो एक एनर्जी है या फिर एक फिजिकल फोर्स है जो क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन को चेंज कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है, साइज सैप इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। या अपन बोलते हैं पुल और पुश जो एक्शन होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे फोर्स के? तो फर्स्ट इफेक्ट है इसके अंदर फोर्स कैन कोज द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो पहला इफेक्ट इसके अंदर अपन समझेंगे, इसके अंदर फोर्स कैन कोज मोशन, फोर्स कैन कोज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का मतलब क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करें, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर यहाँ रखा हुआ है, ये अभी रेस्ट में है, इसके ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करें तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर फोर्स जो है इसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो वो मूव करने लग जाएगा। अगर या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो उसको ये स्टॉप कर सकता है। तो एक तो यह चीज समझिए, इसके अंदर फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा सकता है। जैसे अपन देर का एग्जाम्पल, इफ यू पुश अ बुक प्लेस ऑन द टेबल इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन यू पुल अ चेयर या फिर तो ये जब एक चेयर को खींचते हो तो ये मूव करना स्टार्ट, या तो पुश करते हो या पुल करते हो, तो ये मूव करना स्टार्ट करते हो। तो आप इससे अप्लाई क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज कोई बॉडी जो है वो अपन फोर्स लगाने पे मूव करे ही। जैसे अपन वॉल है, वॉल के ऊपर में फोर्स लगाया लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राई टू पुश अ वॉल, जैसे आप वॉल को पुश करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि ये मूव करे। तो ये टाइम टू मूव करने की कोशिश करेगा इसके अंदर। थर्ड सॉरी सेकंड है इसके अंदर, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है वो और स्लो डाउन या स्लो देन या फिर स्लो देन डाउन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सपोज करेगा, ठीक है, अगर उसके ऊपर अपन फोर्स लगाएं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसके ऊपर ड्राइव लगाते हैं, फोर्स लगा तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर वो रुक जाती है। तो फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो सकता है या फिर वो स्लो डाउन हो सकता है, क्लियर है। तो ये फोर्स की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई बाइक है या गाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो गया, उसका स्पीड अगर वो मूविंग है तो वो या तो रुक जाएगी या उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अगला थर्ड है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर, कि फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूवर फास्टर, मूविंग ऑब्जेक्ट मूवर फास्टर या मूव फास्टर, यानी फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर अपन और फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, और फास्ट मूव करेगा। जैसे एक बॉल है वो मूव कर रही है, अपन उसको हल्का सा और किक मारा तो वो तेजी से आगे मूव करने लगे, तो ये क्या होगा, फास्ट मूव करने लगे, है ना। तो ये चीज है, तो या फिर उसके अंदर अपन ऑसिलेशन कोर्स कर दिया, चेंजिंग उसका वेलोसिटी हो रहा है तो वो क्या है, ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स की वजह से जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो सकता है या वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये फोर्स का इफेक्ट है। जैसे एग्जांपल हमने बताया, बॉल को आप किक करोगे तो और फास्ट भागेगी, ऐसे जो है हॉर्स पुलिंग या तांगा अप्लाई द ग्रेटर फोर्स, हां बस तो वो तेजी से भागेगा। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज, तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल है वो आ रही है, आप उसको फोर्स लगाओ और चाहो तो उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई
और कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करा, आप उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते। तो फोर्स के हेल्प से अपन डायरेक्शन, जैसे क्रिकेट के बॉल के अंदर होता है, बॉल आती है सामने से, अपन बैट से हिट करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स से जो है वो अपन डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिफ्थ है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अपन बात करें, इसके अंदर कोई एक स्प्रिंग है, एक वॉल पे फिक्स है, उसको अपन ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज शेप चेंज हो जाएगा, या फिर उसको अपन प्रेस करें तो उसका साइज शेप चेंज हो जाएगा, या फिर इस मान लीजिए एक रबर का बॉल है, उसको अपन उसके ऊपर फोर्स लगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन कोई भी एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपन फोर्स लगा के उसका साइज शेप पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है अपन इफेक्ट ऑफ फोर्स देख सकते हैं अलग अलग वे में। तो क्या क्या डिस्कस, इन सारे जो है डिस्कस से अपने को फाइनली क्या डिस्कस निकाल सकते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी एक फोर्स जो है वो किसी रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकता है। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। यानी फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को और फास्ट मूव करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोक भी सकता है या उसको स्लो कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीट और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। या फिर फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप। अ फोर्स कैन ब्रिंग सम और ऑल चेंजेस मेंशन्ड अबव इन द, तो ये सारे जो चेंजेस एक फोर्स कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो फोर्स का अपने डेफिनेशन पता है इसके अंदर, फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच कैन चेंज और टेंड टू चेंज, या तो चेंज करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करता है द स्टेट ऑफ द रेस्ट, या फिर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, और चेंज द डायरेक्शन और शेप ऑफ द बॉडी। या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप ऑफ बॉडी चेंज कर सकता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के मेनली अपन टू टाइप डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब मैं यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंदर ये डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।